हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन में जब इंस्टाग्राम को चलाते हो तो फ्रेंड्स आपका जो इंटरनेट डाटा है बहुत ही जल्द खत्म होता है। फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम पर कुछ ही रील्स को देखते हो और फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ ही फोटोज को देखते हो और जो आपका इंटरनेट डाटा है फ्रेंड्स 400 MB 500 MB कुछ ही मिनट में खत्म हो जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम की दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग को बताने वाला हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस सेटिंग को कर लेते हो फिर दोस्तों जो आपका 100 MB डाटा है फ्रेंड्स वो पूरा दिन चलेगा। जी हाँ दोस्तों, 100 MB डाटा पूरा दिन चलेगा। फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम पर कितना भी रील्स को देख लेंगे, कितना भी इमेज या फोटोज को देखेंगे, आपका जो इंटरनेट डाटा है फ्रेंड्स जल्दी खत्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा 100% गारंटी है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी दो सेटिंग बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उसको करना होगा। फ्रेंड्स, आपको कैसे उन दोनों सेटिंग को करना है, यहाँ पर कौन से दो सेटिंग है, फ्रेंड्स अगर आप इसको जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और फ्रेंड्स आगे वीडियो में आपको बता दूँ फ्रेंड्स आपको कैसे अपने इंस्टाग्राम में यहाँ पर नेट डाटा को सेव करना है। दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको दोबारा से यहाँ आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है इस तरीके से, जैसे आप इसको ओपन करेंगे। और दोस्तों, जैसे आपके फोन में इंस्टाग्राम ऐप ओपन हो जाता है उसके बाद से देखो यहाँ पर आपको कैसे उस सेटिंग को करना है। यहाँ पर देखो जो पहला सेटिंग है फ्रेंड्स आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है, इसके बाद से इसी में करना है। यहाँ पर देखो जैसे इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे से 5वें नंबर पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे 5वें नंबर पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपने प्रोफाइल में आएंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, तो मुरली मदेसिया 72 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो भी मैसेज आएगा फ्रेंड्स, आपका कोई भी डाउट होगा तो फ्रेंड्स आप मुझको यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसे उस सेटिंग को करना है, यहाँ पर देखो राइट में ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे ऊपर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डाटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप डाटा यूजेज मीडिया क्वालिटी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो सेलुलर डाटा सेटिंग्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों, तो सेलुलर डाटा सेटिंग में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला है यहाँ पर देख सकते हो यूजलेस डाटा और दूसरा है मीडिया अपलोड क्वालिटी। दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले वाली सेटिंग को करना है, यहाँ पर देख सकते हो पहला वाला जो ऑप्शन फ्रेंड्स इसी को इनेबल करना है। इसको इनेबल करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपके इंस्टाग्राम में जो भी वीडियो है फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा लो क्वालिटी में चलेंगी, लेकिन दोस्तों उससे आपका जो नेट डाटा है फ्रेंड्स काफी ज्यादा बचेगा। तो दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हो डाटा सेवर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो डाटा सेवर का ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफ है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप डाटा सेवर के ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, अब दोस्तों आपके इंस्टाग्राम में जो भी वीडियो आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा लो क्वालिटी में चलेंगी, लेकिन दोस्तों जो आपका इंटरनेट डाटा है फ्रेंड्स वो काफी लॉन्ग समय तक चलेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से इनेबल कर देना है और इसको इनेबल करने के बाद से आपको इसको छोड़ देना है। फ्रेंड्स, डाटा सेवर ओपन करने के बाद से आपका जो इंटरनेट डाटा है फ्रेंड्स काफी ज्यादा कम यहाँ पर खर्च होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसको ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पर पहला सेटिंग था। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरा सेटिंग आपको कैसे करना है इंस्टाग्राम में, जिससे दोस्तों आपका जो इंटरनेट डाटा है फ्रेंड्स और भी ज्यादा बचेगा। दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको वापस आ जाना है और वापस आने के बाद से यहाँ पर देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पर आपको अपने सेटिंग में जाना है। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इंटरनेट को ऑन किया फ्रेंड्स। यहाँ पर आप एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप अपने मोबाइल का जो डाटा है फ्रेंड्स इसको आप हमेशा ऑन करके मत छोड़िएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसको हमेशा ऑन करके छोड़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन में अदर्स ऐप है फ्रेंड्स वो आपके बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, मोबाइल में बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, जिनकी वजह से फ्रेंड्स वो आपके बैकग्राउंड में भी डाटा को यूज करती हैं। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा हमेशा ओपन रहता है तो फ्रेंड्स आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आता है, जैसे व्हाट्सअप मान लीजिए, यूट्यूब मान लीजिए, फेसबुक, इस तरीके से जो भी यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड्स हमेशा यहाँ पर आता रहता है और फ्रेंड्स उससे आपका काफी ज्यादा डाटा कंज्यूम होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप अपने फोन में इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको हमेशा ऑफ करके रखना है। इस तरीके से आप इसको ऑफ करके रखेंगे दोस्तों, इससे भी आपका काफी ज्यादा डाटा सेव होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इंस्टाग्राम के दूसरे सेटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जाना है अपने फोन में सेटिंग्स में और फिर सेटिंग्स में आने के बाद देखो यहाँ पर आपको कैसे उस सेटिंग को करना है। यहाँ पर आपको आ जाना है इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए नीचे और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च करना है कि फ्रेंड्स आपके फोन में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन कहाँ है। अगर दोस्तों यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका वो ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर नीचे ऐप मैनेजमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग ले रहा है।
जितने भी आपके फोन में एप्लीकेशन होंगे सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना है कि कहाँ पर इंस्टाग्राम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, आपको भी क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पर आपको डाटा यूजेज डिटेल्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर डाटा यूजेज डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस यहाँ पर आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि फ्रेंड्स इंस्टाग्राम का जो बैकग्राउंड डाटा है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो बैकग्राउंड डाटा है यहाँ पर ऑन है। तो दोस्तों अगर आपके भी इंस्टाग्राम में या फिर कोई भी एप्लीकेशन में यहाँ पर बैकग्राउंड डाटा ऑन रहता है तो इससे होता क्या है कि फ्रेंड्स अगर आपके फोन में जब भी इंटरनेट, तो दोस्तों इससे होता है कि फ्रेंड्स आप जब भी अपने फोन में मोबाइल डाटा को ऑन करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स ये आपके बैकग्राउंड में रन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप इनको नहीं भी यूज करते हो फिर भी दोस्तों आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं, की वजह से आपका जो इंटरनेट डाटा फ्रेंड्स काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा करना क्या है, फ्रेंड्स आपको अपने इंस्टाग्राम के बैकग्राउंड डाटा को बंद कर देना है। यहाँ पर आप इसको बंद करके रखेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप इसको नहीं भी यूज करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपके बैकग्राउंड डाटा में नहीं चलेगा, जिससे दोस्तों आपका इंटरनेट डाटा काफी ज्यादा बचेगा। दोस्तों यहाँ पर ऑन होगा तो फ्रेंड्स आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है, इसको बंद कर देंगे। अब दोस्तों आपके फोन में जो इंस्टाग्राम से जो नेट डाटा काफी जल्द खत्म हो रहा था फ्रेंड्स अब यहाँ पर नहीं होगा और फ्रेंड्स आपका 100 MB डाटा पूरा दिन चलेगा। दोस्तों इस तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम में इन दोनों सेटिंग को करके आपको अपने मोबाइल डाटा को बचाना है और फिर इससे आपका 100% डाटा सेव होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों तो आपको इस तरीके से इन दोनों सेटिंग को कर लेना और उसके बाद से आपके फोन में जो मोबाइल डाटा फ्रेंड्स काफी लंबा समय तक चलेगा। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो फ्रेंड्स आप कैसे इंस्टाग्राम में डाटा को बचा सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।